अस्सलाम वालेकुम, सुबह का टाइम है और मैं ऊपर आ गया हूँ और थोड़े नाश्ते मैं सबके लिए लेकर आया हूँ। ये ओरियो के लिए नाश्ता इसका है, बाकी ये सलाद टाइप बना हुआ है, ये तोतों के लिए, ये चूज़ों के लिए, बाजरा कबूतरों के लिए। ओरियो का नाश्ता ओरियो को डाल देते हैं। थोड़ी गर्मी है, मौसम गर्म है, इसलिए ज़रा नाश्ता वगैरह थोड़ा लाइट देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अब अंदर रखे हुए कबूतरों को दे देते हैं थोड़ा। तो ये मेरे कबूतर हैं भाई, ये रहा दाना और ये मैंने कमरा धुलवाया था, भाई ने कमरा आखिरकार धुलवा लिया और साफ़ करवा लिया था सारा। मैंने इनके नीचे मैंने तरपाल बिछा दिया था कि अब ये गंद वगैरह करें तो कमरा गंदा ना हो, इस पे गंदा है और ये ऐसे में उठा के बाहर फेंक दूँ या साफ़ करवा दूँ। अब इन्हें डाल देता हूँ, मैं डालूँ किस तरह। अच्छा जी, ये मैंने इनको बाजरा डाल दिया है। पता नहीं मेरे कबूतर वगैरह ना दाना शौक से क्यों नहीं खाते हैं। दाना मतलब जो दूसरा दाना होता है ना कबूतरों वाला, मिक्सचर जिसे कहते हैं, जिसमें दालें वगैरह भुट्टा होता है, वो ये लोग शौक से नहीं खाते। अब ऊपर चल लेते हैं, बाकी जानवरों को देख लेते हैं। मेरे परिंदे मुझे देखते ही शोर शराबा करने लग जाते हैं, मुझे क्योंकि पहचानते हैं। इस वजह से देखें तोते, कबूतर, यहाँ तक के चिड़ियाँ तक मुझे देखकर ये शोर मचाने लग जाते हैं। हमारे पपीते के पौधे भी बड़े अच्छे तरीके से बड़े हो रहे हैं। यार ये तो फालतू बहुत चिल्लाते हैं ये। ओह, इसको देखें, ये कहाँ आया हुआ है भाई, ये छोटी सी दुनिया कहाँ आई। ये बॉक्स से नीचे खुद ही आ गया है। खैर, ये जैसे चलने के थोड़े काबिल होते हैं ना, बॉक्स से नीचे आ जाते हैं। अब मैं ये डालता हूँ इन्हें। ये सबसे पहले ये थोड़ा सलाद है जिसमें खीरे, मिर्चें, प्याज वगैरह, टमाटर है, ये मैं तोते को दे देता हूँ। ये उबले हुए चावल हैं, ये मैं दे देता हूँ अपने चूज़ों और बत्तख को। उन दोनों के पार्टनर मुझे लेकर आने, चूज़ा भी बेचारा, वो इसके जो पार्टनर था जिसको आया इन्फेक्शन था वो भी मर गया, इसका जैक भी मर गया। ये मेल है, वो बत्तख फीमेल है, दोनों की मैंने मेल फीमेल लेकर आनी। और इन्हें देखें ये कितने प्यारे हैं, और उसको उठा के मैं ऊपर रखता हूँ। इतनी सी उम्र में इतना भाग दौड़ बेटा ठीक नहीं है। ये देखें, ये गिरने की ही कर रहा है, ये खुद ही नीचे जाएगा। अच्छा, अब क्या है, हाँ हमने दाना देना है। एक मिनट, इनके मैं बास्केट खोल देता हूँ। दाना नहीं है, दाना डालते हैं। ये बहुत शोर करती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं। खैर, दाना पानी मैंने इनको दे दिया है, वो सब खा रहे हैं सब के सब। दूसरी बात यार, हमने ये देखें ये खा रहे हैं। मुझे पता नहीं, इनके तोतों ने अंडे दिए थे हमारे ग्रीन वाले, पर मुझे शक है उसमें से बच्चे पता नहीं अभी तक क्यों नहीं निकले। पता नहीं वो अंडे फर्टाइल हैं भी या नहीं हैं, चेक कर लेते हैं बच्चे निकले या नहीं निकले। मैंने कल देखा था, कल तक तो नहीं थे, अभी और देख लेते हैं। हट जाओ भाई, हट जाओ। नहीं यार, अभी भी बच्चे नहीं निकले। पता नहीं, मुझे शक है इस तरह का कि पता नहीं ये अंडे अनफर्टाइल ना हो। वैसे तो ये पेयर फर्टाइल अंडे देता है, ये बच्चे भी निकालते हैं, ये सबको मैंने दिखा रखा है। पर पता नहीं ये इस बार, हालांकि पहली बार इन्होंने सेकंड ब्रीड किए, वरना हमेशा इन्होंने एक ही बार बच्चे दिए हैं और बच्चे निकाले, अंडे दिए बच्चे निकाले। अभी ये इसी साल में दूसरी बार इन्होंने ब्रीड किए हैं। अब मुझे पता नहीं, शक पड़ रहा है कि अंडे फर्टाइल हैं या नहीं हैं, क्योंकि मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से इन्होंने 8 तारीख को अंडे दिए थे, आज तकरीबन दूसरी हो गई है, तकरीबन 20-22 दिन हो गए हैं शायद, अगर मैं गलत ना हूँ तो। इन्होंने निकाल देने चाहिए थे गर्मी में, ये 18-19 दिन में बच्चे निकाल देते हैं। अल्लाह ना करे कि अंडे अनफर्टाइल हो, तो अगर हुए भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, दुआ करें कि फर्टाइल हों।
ये देखें ये पेयर है मेरा। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि अंडे ना इनके फर्टाइल हैं, अनफर्टाइल ही लग रहे, वरना अभी तक ये बच्चे निकाल देते, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खैर ये रहा हमारा टर्टल टोटाइस, इसे मैं नाश्ता मैंने डाला है इसका सुबह का, अब ये खाए, पर मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे भूख है, होगी तो खुद खा लेगा, इतनी देर में तो ये छोड़ता भी नहीं है। खैर इन्हें भी इससे सबको मैंने नाश्ता पानी डाल दिया, इन्हें तो मैं वैसे ही डाल के गया था सुबह जल्दी, रात को डाल के गया था मैं, सुबह फजर के टाइम आया था, तो सब कुछ हो गया तकरीबन, इनके हालात, ये सब खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, इनके हालात भी ठीक हैं, और इनके लिए बॉक्स भी लगाऊंगा मैं, दाना देखें कितना गिराते हैं। खैर ये मेरी वीडियो थी आज की, और मुझे ऐसा लगता है कि अंडे जो ग्रीन के ना रिंगने के फर्टाइल नहीं हैं, दुआ करें फर्टाइल हो, देखेंगे वो बात की रिपोर्ट है। हमने इसके लिए बॉक्स भी लगाना है, मुझे एक भाई ने कहा था कि इनका ब्रीडिंग सीज़न है और इनके लिए बॉक्स लगाएं, तो मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है, मैं वो इंशाल्लाह लगाऊंगा, अगली वीडियो में लगा देंगे इंशाल्लाह। अभी तो वीडियो मैं यहीं बंद कर देता हूँ, धूप बहुत तेज़ है, मैंने देना है गमलों में पानी अपने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ नासिर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक मैं इनके लिए बॉक्स वगैरह ढूंढ कर रख लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।